कहते एक मिनट हो गए, एक मिनट हो गए। क्या हुआ? मैंने कहा 7.5 का नुकसान किया, मैंने 5 का किया था, आपने 7.5 का। कहते कहां से कॉस्टिंग पढ़ानी सीखी है तुम्हें? मैंने कहा क्या मतलब? कहते बहुत बड़ा कॉस्टिंग का टीचर बनता है, इतनी तेरे को अकल नहीं। मैंने कहा क्या है बताओ? कहते फिर से हिसाब पूछ जरा। अब छोटा भाई भी समझ गया था क्या गलती मैंने क्या चालाकी मारी है। मैंने कहा कितने अंडे लगने चाहिए थे 3 ऑमलेट पे? कहते हैं 6। मैंने कहा कितने लगा दिए? कहते हैं 9। यही है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, कितने अंडों का नुकसान किया? मैंने कहा कितने अंडों का नुकसान किया? 3। सही है या नहीं? मैंने फिर बोला, मैंने कहा कितने का एक अंडा लाया था मैं? कहते रुक जाओ, कहते रुक जाओ, लाने को कहा था 2 का। अब तू अगर 2.5 रुपए का लेके आया तो तू अपना नुकसान नहीं मेरे अंदर घुसे रहा है और चुपचाप बोल रहा है कि भैया आपकी तो गलती ही गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। भाई 2 रुपए की जगह अगर मैंने 2.5 रुपए का अंडा बोल दिया उनसे तो मैंने तो 2 बजे के बजाय 2.5 रुपए का चार्ज कर दिया। कहते हैं मैंने तेरे को कितने का लाने को कहा था? 2 का मैंने। कहते एक बात बता, 2.5 रुपए लाना तो तेरी गलती थी, मैं तेरी गलती तेरे रेट के हिसाब से क्यों चार्ज करूं? मैं तो अपने रेट के हिसाब से बोलूंगा, जो मैं जितने का अंडा आना चाहिए था उतने का लगाऊंगा मैं। भाई गलती तो तेरी है, 2.5 रुपए का तू लाया, किस हिसाब से होना चाहिए? 2 के हिसाब से या 2.5 के हिसाब से? 2 के हिसाब से होना चाहिए। कहते हैं मेरा कितना नुकसान अब बता? 6 रुपए का। कहते हैं 1.5 रुपए कहां से बढ़ा रहा था? ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ा रहा था। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये है, छोटा भाई बैठ के नोट्स बना रहा था। कहता है भैया देखो आपके मैंने कॉस्टिंग के नोट्स बना डाले। मैंने कहा कैसे बनाए? कहता देखो एक सेकंड सुनो, आपने पहले जो दोनों के बीच में पहले लड़ाई हो रही थी वैसा मटेरियल प्राइस वेरियंस। मैंने कहा कैसे 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 हो गया भाई? कहता है देखो जरा यहाँ है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, यहाँ क्या है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, और यहाँ क्या है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। अगर मैं अंडों के हिसाब से सोचूं, किसने का एक अंडा लाया? 2 रुपए का। और किसने का लाया? 2 रुपए का। किसने का लाया? 2.5 का लाया ना, 2 का लाना चाहिए था, 2.5 का लाया। कितने रुपए पर अंडे का नुकसान किया मैंने? 50 पैसे का। कहते हैं भैया आप कितने अंडे खरीद के लाए? 10। कहते हैं बहुत आराम से। कहता बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? जितने भी मैं लेके आया ये थोड़ी देखेंगे कि कितने भैया ने अंडा यूज किए, ये थोड़ी देखेंगे कि भैया ने कितने अंडे यूज किए। मेरे को कितने ना कितने का लाना चाहिए था, कितने का मैं लेके आया, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, कितने अंडे मैं खरीद के लाया, इस पे थोड़ी। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी क्या? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, याद रखना। पीसीसी लेवल में पता है तुम लोगों को एक दिक्कत आती थी, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी क्यों होती है या स्टैंडर्ड रेट क्यों होता है? कोई टीचर नहीं बताता, सारे गोली देकर निकल जाते थे, बहुत सेट सेट गोली देकर निकलते थे। ध्यान से देखो क्या सही तरीके से क्लियर होगा। एक ये बताते नहीं थे यहाँ परचेज आएगा, एक यहाँ कंज्यूम्ड आएगा। अब जाके समझाना उन्हें, देखो सर ऐसा होता है, अंडे खिलाते हैं हमारे को बैठा के। अब सुनो देखो दूसरा क्या कहता है छोटा भाई, भैया देखो क्या ये अनुराग भैया मतलब मेरे बड़े भैया, आपने जब इनसे पूछा तो आपने क्या पूछा? मैंने कहा क्या क्या पूछा पता जल्दी। कहता है देखो आपने पूछा कितने अंडे लगने चाहिए थे? 6। कैसे निकाले थे भाई? एक ऑमलेट मतलब एक आउटपुट पे कितने 2 लगने, कितने चाहिए थे? 2 लगने चाहिए थे इनपुट। 3 ऑमलेट बनाए मतलब 6 अंडे लगने चाहिए थे, लगा कितने दिए? 9 अंडे। आपने कहा भैया आपने 3 अंडे का वेरियंस गिनाया, ठीक है ये मान के चलो परचेज डिपार्टमेंट है, ये मान के चलो क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये कौन सा है परचेज, ये मान के चलो प्रोडक्शन। अब भैया ने प्रोड्यूस किया है तो अंडा हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितने अंडे ज्यादा लगा दिए? 3 अंडे लगा दिए कि नहीं? अच्छा अब सोच के देखो आपने क्या कहा, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस से या एक्चुअल से? लॉजिकली सोच रहे ना, स्टैंडर्ड से एक्चुअल से? याद रहेगा यहाँ पे आपने बोला क्या? 2 रुपए से। भैया ने क्यों बोला 2 रुपए? कहते हैं बड़ी सीधी सी बात है, जो मेरी गलती होगी मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, तेरी गलती क्यों एक्सेप्ट करूं? मैंने तेरे को 2 रुपए का लाने को कहा था ना, तू कितने का लाया? 2.5 रुपए।
तो गलती किसकी? तो बड़ी सीधी सी बात बन गई, दो वेरियंस मैंने आपको सिखा भी दिए, देखो कितने मजे से, तुम्हें पता भी नहीं चला। अब तुम्हें हमेशा इसके फॉर्मूले भी याद रहेंगे, जैसे फॉर्मूले भूलोगे तभी याद करना मेरी कहानी, अंडे ऑमलेट की कहानी, और देखना एक सेकंड में तुम्हारे फॉर्मूले बन जाएंगे, पक्का गारंटी में। वहां पे बस ये मत दिखाना पराग गुप्ता के अंडे, पराग गुप्ता अंडे लाया भैया ऑमलेट बना के लाए। अब देखो जल्दी से, ये जरा दो वेरियंस के फॉर्मूले लगाए मैंने, अगर देखो अंडों के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, इसमें अंडे का मंडा अनुराग पराग चिराग और अंडे। देखो जरा यहाँ देखो, किसने का लाना चाहिए था? दो का लाना चाहिए था, कितने का लाया? ढाई रुपए का एक अंडा। देखो कितने लेके आया? दस। ऐसे यहाँ पे ये कितनी वैल्यू हो गई? पांच रुपए। एडवर्स बोलेंगे, फेवरेबल बोलेंगे, फायदे की चीज की थी, नुकसान किया था। जब नुकसान होता है तो एडवर्स बोलते हैं और पैकेट में लिख देते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैंने कहा कितने अंडे, ये तीन ऑमलेट दो अंडा पर ऑमलेट, तीन ऑमलेट दो अंडा पर ऑमलेट, इतने अंडे लगने चाहिए थे माइनस, एक्चुअल क्वांटिटी कितने लगा दी भैया ने? नौ। देखो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? दो से। कितने का मुझे लाना चाहिए था, ना कि कितने के मैं लाया। क्लियर है? वैल्यू कितनी आई? आगे से याद रहेगा। इसे इस तरीके से समझा करो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये परचेज, ऐसे समझ। क्लियर है? आगे देखते हैं, किसको ये समझ में नहीं आया फॉर्मूले बताओ। चलो एक काम करते हैं, निकलता तो सबको समझ में आ गया ना। चलो बताओ मेरे को बिना देखे।